अगर बाकी कोर्ट्स चल रही हैं, जजेस बैठे हुए हैं, वो खिला हालात मुकदमे लड़ रहे हैं, तो फिर मिलिट्री कोर्ट का जवाब नहीं मिलता। बाकी ये मशवरा के बाद इंशाल्लाह आपको ये तहरीक और जोर पकड़ती हुई मिलेगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ दो वरना घर जाओ। सर ये जो इलेक्शन कमीशन के सामने भी है, इन्होंने गद्दारी की है कौम के साथ, ये फसाद का फसाना है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही है इन्होंने तशरीह गलत की है, सारे फसाने की जड़ ये है। ये न सिर्फ इनके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट स्ट्रिक्चर पास करे, बल्कि इनको आर्टिकल 6 के अंदर इनको ट्रीजन में सजाए मौत दी जाए। कोसा साहब कल कौम के साथ, कोसा साहब वो इद्दत केस में भी कल, कोसा साहब इद्दत केस में भी कल फैसला आना है, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाला जो आपका मखसूस रिश्तों का केस है, क्या आपको इंसाफ की तवक्को है? सलमान अकरम राजा साहब कह चुके हैं कि हमें अब इंसाफ की तवक्को नहीं है न अदालतों से। देखिए मैं आखिरी दम तक जो है मायूस नहीं होता, ये अल्लाह को जवाब दे हैं। अगर बेइंसाफी करेंगे तो ये मैडम प्लीज मैडम प्लीज।